करेली के सैदपुर गांव से गायब युवती का नग्न शव मिला, हत्या और बलात्कार की आशंका। कल 11 बजे घर से उसके पिताजी बोले कि निकली है और शाम के वो वापस नहीं आई घास लेके, तो ढूंढने लगे सगल। फिर आज सुबह ढूंढते ढूंढते गए तो वहाँ मिली, तब हमको जब सूचना दें तो फिर हम थाने से जिला दिया। तब वहाँ पे कैसे अवस्था में थी, क्या हुआ, तो क्या बेपरद बेपरद रही, पहने मतलब तन पे कपड़ा नहीं था, चड्डी नहीं थी, सब। कल सुबह 11 बजे घर से घास छोलने के खुरपा लेके गई, जब वहाँ गए गांव से थोड़ा फैले 1 किलोमीटर आगे, तो घास छोल के घर ये वापस नहीं आई, तो वहाँ शाम के समय इन लोग उनको माँ बाप भाई ढूंढने लगे, कहीं कुआं कहीं और जगह ऐसा ऐसा जगह ढूंढा, नहीं मिली थी। आज सुबह रात भर भी रिश्तेदारी वगैरह में पता हुआ था, वो भी नहीं पता चला। आज सुबह 7 बजे वहाँ जहाँ घास छीलने गई थी वहाँ गए इनकी माँ इनके भाई जब गए वहाँ, जाने के बाद बॉडी जब वहाँ मिली तो हमने घर पे थे, सुबह उठे थे, इनके पिताजी आए बोले कि यार गाड़ी निकालो वहाँ चलना, हमने कहाँ चलना है, उन्होंने बोला कि हमारे लड़की के वहाँ मर्डर हो गया, तो हमने कहा चलिए गाड़ी निकाल के। जब हम वहाँ पहुँचे मौके पर देखा तो मौके पर उसकी तन पे न चड्ढी थी न समीज थे, वस्त्र उसके तन पे कोई था नहीं, एकदम ऐसे पड़ी थी। क्या अनुमान लगाते हैं, क्या हुआ है? अनुमान यही लगता है उसके साथ रेप हुआ है। और क्या? रेप करके उसको धारदार असलहे से काट दिया गया। तो कुछ किसी के ऊपर शंका है या कोई नामजद रिपोर्ट लिखा है क्या? नहीं, शंका तो कहने का मतलब कोई उससे उसके माँ बाप से कोई दुश्मनी थी नहीं किसी से, वो लोग मजदूर आदमी है, शंका कुछ था नहीं, लेकिन अब क्या बताएं हम लोगों के कैसा कोई दुश्मनी नहीं थी ये तो हमें मालूम नहीं। किस थाने की घटना थी ये? करेली थाने की घटना। माँ बाप क्या करते हैं उसके?